एंड वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सबसे बड़ा कलाकार. मैं हूं जय भानुशाली और ये है मेरी को होस्ट जैमी. शो का नाम ही है सबसे बड़े कलाकार, तो मतलब मैंने सोचा कि तब जब शो का नाम सबसे बड़ा कलाकार है तो होस्ट भी थोड़ा सा कलाकार टाइप ही होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन वाई वी गॉट जैमी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए जैमी के लिए. जॉनी लीवर की बेटी है, राइट? पर अच्छा किया जय कि तुमने तुम मुझे लेकर आए, वरना मैं सोच रही हूँ कि तुम अकेले शो कैसे संभाल पाते यार. वो 8 अप्रैल को 8 बजे तेरे को सब पता चल जाएगा, पब्लिक को भी, कि कौन कितना संभाल रहा है. लेकिन अभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको थोड़ा बहुत शो के बारे में मैं बताना चाहूँगा. सबसे बड़ा कलाकार एक ऐसा शो है जहाँ पर हम सिर्फ एक एक्टर नहीं ढूंढ रहे, एक ऐसे कलाकार को ढूंढ रहे हैं जो एक सिंगिंग टच भी उसमें हो, एक एक्टिंग टच तो होना ही चाहिए और एक डांसिंग टच भी होना चाहिए. सो वी आर लुकिंग फॉर ऑल राउंडर, मतलब हर तरीके से एकदम यू नो धमाकेदार. जय इतना ही नहीं है, हमारे बच्चों के साथ होंगे उनके गुरु जो है थिएटर बैकग्राउंड से, और बच्चों को वो ट्रेन करेंगे, उनके एक्टिंग के स्किल्स को निखारेंगे, पूरी तरह से उनको प्रिपेयर करेंगे, वर्सेटाइल एक्टर्स बनाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल यार, जब हम कलाकारी की इतनी बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि हमारे जो ये जो प्रेस के लोग जो आए हैं वो आपकी भी कलाकारी देखना चाहेंगे, आपकी मिमिक्री जरूर देखना चाहेंगे, है ना. काफी सारे यू नो वीडियो यूट्यूब में हिट्स चाहिए उनको, लाइक्स चाहिए, है ना. तो ये थोड़ा सा एक मिमिक्री हो जाए. बाबा ये क्या बोल दिया बाबा. देखिए अभी मैं पहली बार ये रियलिटी शो जज क्या बात है होस्टिंग कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ एंकरिंग, और थोड़ी नर्वस हूँ. लेकिन मैंने ना रियलिटी शोज को बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि हमारे रियलिटी शोज के जजेस जो होते हैं ना जय, वो अपने अपने अंदाज में कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं. जैसे मिथुन दा हो गए, क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं चला, मतलब क्या बात है यार. और हमारे इंडियन आइडल में ले लीजिए, सोनी टीवी पर इंडियन आइडल आता है, उसमें अनु मलिक जी हैं. अब उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी ना, मानसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग मानसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन, भाई को राखी बांधती है बेन, इस फुलान परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन, थैंक यू. अब बाजू में फराह खान जी बैठी हैं, ओ गॉड अनु यू हैव नो ब्रेन, अनु जस्ट स्टॉप इट. अनु यार आज के जमाने में 11,000 रुपए में किसका क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट अनु, दिस इज वेरी स्टूपिड यार. ठीक है, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, सभी मेंबर्स को, सभी कंटेस्टेंट को मेरी तरफ से 500-500 के नोट, वो भी पुराने वाले. तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नहीं थी. ये होते हैं हमारे जजेस. और कभी कभी ना रियलिटी शोज में जय कोई महागुरु को बुलाया जाता है, जैसे कभी सिंगिंग रियलिटी शो में जैसे आशा जी आ गई तो वो कैसे बोलेंगी, ये क्या गाया तुमने, क्या गाया, बहुत अच्छा गाया, देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था. और फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज ग्रैंड फिनाले है, तुमने मुझे कितने कितनों की याद दिलाई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है जरा याद दिलाना. ये है हमारे जजेस. कमाल है यार, कमाल है. तालियां हो जाए यार, जब सब एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा तालियां भी हो जाए. और भाई जब कलाकारी की बात हम कर रहे हैं तो यू नो आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे शैतान मस्तीखोर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे इस सीजन में. और अब मैं उस इंसान को मंच पे बुलाना चाहूँगा जो आपको ये बताएंगे कि बेसिकली क्या सोच से, यू नो क्या थॉट से ये शो उनके पास आया या फिर ये आइडिया आया कि यू नो ऐसा कुछ शो होना चाहिए. तो प्लीज़. यस, तो हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर आशीष गोलवरकर जो है SVP क्रिएटिव कंटेंट डायरेक्टर ऑफ सोनी टीवी. सर प्लीज, कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज सर, प्लीज गाइस, ताले हो जाए. आशीष गोलवरकर.